अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट होंगे और ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे। अगेन एक वीडियो के साथ हाजिर हो गया हूँ। और वीडियो जैसे एक सीरीज़ मेरी चल रही है वाइज के ऊपर, कि वाइज से हमने पेमेंट्स किस तरीके से निकालनी है, वाइज का अकाउंट बनाने पर वीडियो बनाई है, उसकी वेरीफिकेशन करने के ऊपर वीडियो बनाई है, और उसमें बैंक डिटेल्स जो हैं वो ऐड करने के ऊपर हमने वीडियो बनाई है, कि बैंक हमने किस तरह से ऐड करना है, उसका क्या तरीक़ाकार होता है, उसके ऊपर वीडियोस बन चुकी हैं। उसके बाद जो है हमारे अपवर्क से, हमने अपवर्क के अंदर जाके ACH अकाउंट जो है वो किस तरह से ऐड करना है, उसकी कौन कौन सी डिटेल्स जो है हमने देनी है अपवर्क के अंदर, ताकि हम वहाँ से पेमेंट्स जो हैं विदाउट फीस निकाल सकें। क्योंकि अगर हम बैंक ट्रांसफ़र करते हैं तो बैंक ट्रांसफ़र पे $1 हमें पे करना पड़ता है, पेनियर पे लेके जाते हैं तो थ्री है या $2 जो हैं पर ट्रांजैक्शन वो हमें देने पड़ते हैं, और रेट भी हमें कम लगता है। ठीक है, अब बैंक का डिटेल अगर 285 हो तो हमें 273 मैक्सिमम लगते हैं, 10-12 रुपए का फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन अगर वाइज पे जाएंगे तो वाइज पे हमें फ्री में ट्रांसफ़र हो जाएगा अपवर्क से, और वहाँ से जाके जो है इजीली हम निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो किस चीज़ के रिलेटेड है? वाइज में से पैसे निकालने के रिलेटेड है, कि वाइज के अंदर से हमने पैसे कैसे निकालने हैं, उसका क्या कमीशन है, क्या फीसेज हैं, वो आपको दिखाऊंगा। मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मैंने रिकॉर्ड किया है अगली वीडियो, ठीक है। और अगर चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दो, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें और कोई ना कोई फायदा होता रहे, ठीक है। दूसरा ये कि वाइज के अंदर जो आपके डॉलर अकाउंट में पेमेंट पड़ी होगी, जो अपवर्क से आएगी या कहीं और से भी आएगी या ACH अकाउंट के थ्रू आएगी, उसको आपने बैंक में किस तरह से निकालना है, उसका तरीक़ाकार क्या है, उसकी फ़ीस कितनी है, ये आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। और बहुत मिनिमम फीस के अंदर इसके रेट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसका फ़ायदा ये होता है कि इसका रेट जो है वो अप होता है, कि जो आपको डॉलर मिल रहा है गूगल पे आपको रेट मिल रहा है, आपको वही रेट मिलेगा और कमीशन बहुत कम होगा। मीन्स कि अगर आप $100 निकालते हैं मिनिमम, तो आपको उस पर $1 भी नहीं पड़ेगा। सो अगर $1 भी नहीं पड़े तो उसका रेट आपको ज़्यादा लगेगा। बैंकिंग में आपको $1 देना ही पड़ता है, उसके बाद आपका रेट 10-12 रुपए कम होता है, इस पर रेट प्रॉपर पूरा मिलता है, इसका ये फ़ायदा हो जाता है। तो चलिए ज़रा आपको ले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, वहाँ आपके दिखाते हैं कि हमने वाइज से पेमेंट विड्रा किस तरह से करनी है, उसका तरीक़ाकार क्या है। चलिए जी, हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहाँ मैंने आपको दिखाना गया है आज की वीडियो किस बात के बारे में बना रहे थे, कि वाइज से ट्रांसफ़र किस तरह से करते हैं। अब ये इस तरह से, जब आप वाइज को ओपन करते हैं तो इस तरह से आपका अकाउंट जो है वो शो हो रहा होता है। मैंने पहले एक वीडियो बनाई क्या यार, रिकॉर्डिंग ही नहीं लगाई थी और बना के ट्रांसफ़र कर दिया। खैर कोई बात नहीं, दोबारा से अब इस वीडियो में बना लेते हैं। तो जिस तरह से अभी आपके डॉलर अकाउंट के अंदर पेमेंट आई पड़ी है, ये मेरी पेमेंट पड़ी है $100 जिस वक्त पड़े हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, जब इसमें से निकालना है, यहाँ पे डॉलर वाले को जहाँ पैसे पड़े हुए हैं इसको क्लिक करूँगा, यहाँ ये डिटेल्स ओपन करके दे देगा, ये ट्रांजेक्शन की डिटेल्स हैं नीचे, कहाँ से कहाँ गया, कब गया, हर चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। दूसरी चीज़ ऊपर आ रही USD बैलेंस, 100 USD है, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ नीचे एक अकाउंट दिए बैंक का साइन बना हुआ, आप लोग देख रहे हैं, और ये 8312657934 जो है ये अकाउंट नंबर आ रहा है। ये अकाउंट नंबर कौन सा है? ये अकाउंट नंबर है ACH अकाउंट, जिसे हम कहते हैं। ये यूज अकाउंट डिटेल्स US डॉलर अकाउंट की डिटेल्स है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट जो है मेरा, अकाउंट होल्डर अजीमुल्ला, ACH राउटिंग नंबर, ये नंबर उसका आ रहा है, वायर राउटिंग नंबर ये आ रहा है, अकाउंट नंबर नीचे आ रहा है, अकाउंट टाइप चेकिंग, वाइज एड्रेस, ये अब देख रहे हैं न्यूयॉर्क का दिया हुआ एड्रेस जो है, ठीक है। तो ये देने के बाद ये आपको ACH अकाउंट जो है ये यूज़ होता है आपकी जो ट्रांसफ़र्स करने के लिए अदर जो सोर्सेज होते हैं, लाइक अपवर्क है, वहाँ से हम निकालते हैं, तो विदाउट फीस आपका जो है वो पैसे निकलते हैं, ठीक है। और ये मुझे दोस्त का मैसेज आया, सॉरी, हाँ, आउटसाइड द USA वाला आपकी डिटेल्स जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इनसाइड द USA वाली भी मौजूद हैं। खैर ये आपको मैंने ACH का थोड़ा सा दिखाया, अभी यहाँ पे आपको यहाँ से ही डायरेक्ट उसका आपकी डिटेल्स जो अकाउंट की वो मिल जाती होती हैं। दूसरी चीज़, जब आपने पैसे निकालने हैं तो पैसे निकालने का तरीक़ाकार क्या, यहाँ से ऑप्शन है ऐड, कन्वर्ट, सेंड और मोर पे ये रिसीव और स्टेटमेंट रिपोर्ट्स वगैरह, हमने दबाना सेंड के ऊपर। बैंक तो हमने पहले ही ऐड कर लिया था ना, मेरी पिछली वीडियोज़ में अगर आपने देखे हैं तो बैंक ऐड करने का तरीका बताया हुआ था, बैंक किस तरह से ऐड करते होते हैं। तो यहाँ सेंड के ऑप्शन पर हम आएँगे, यहाँ पे हम सेंड का ईमेल वगैरह दे के हम किसी और को सेंड करना तो वो दे सकते हैं, या अगर आपके रेसिपेंट्स के अंदर ये कॉन्टैक्ट्स ये जैसे नीचे लिखे हुए हैं इनका सारा आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपका बैंक अकाउंट शो हो जाएगा, या PKR HBL बैंक लिखा हुआ अजीमुल्ला यूर अकाउंट्स के अंदर, तो मैंने जारी सी बात है विड्रा करने हैं अपने अकाउंट में, ठीक है ना। तो अपने अकाउंट में विड्रा करने के लिए हमने ये निकाल लिए यहाँ पर,
ऑप्शन में एडिट नहीं करूँगा मैं, जस्ट $1 ईयर करके चेक कराऊँगा आपको। पहले मैंने कुछ कर लिया, मैं दूसरा तरीकाकार जिससे पेमेंट मुझे ज़्यादा मिलती है, मैंने आपको बताया था शायद एक दफ़ा कि वो तरीकाकार जो होता है वो बहुत अच्छा तरीकाकार है, वो अगर हमसे आप पेमेंट निकलवाना चाहें तो हम आपको निकलवा के दे सकते हैं, लेकिन उसमें एक दो दिन का गैप आएगा, लेकिन उसमें प्राइस जो है वो ज़्यादा ही लगेगी। अभी यहाँ पर 284.87 रुपये लग रहा है और साथ कमीशन भी लग रहा है, फ़ीस जो है 0.39, ठीक है। अब 0.39 फ़ी लग रही है $1 की, तो मैं आपको ज़रा गूगल पे चेक करवा देता हूँ ये गूगल का प्राइस आज का क्या है, 285.36 रुपये। मे बी ये कम हुई हुई हो इसलिए ये शो करवा रहा है उधर कम, नहीं तो ये यहाँ पे एग्जैक्ट गूगल वाली ही प्राइस देता होता है या थोड़ा सा अप जाता होता है, ठीक है। अब कैन गेट इस 350 PKR, ये मुझे $1 नहीं करने दे रहा, ये $2 करने देगा। चलें भाई $2 कर लेते हैं, ठीक है। $2 $1 का भी वही 0.39 जो है वो हमें पड़ रहा था कमीशन फ़ीस, और इस पे भी वही पड़ रही थी आपके सामने। इसको मगर $5 करता हूँ तो क्या आएगा, 0.41 यार बहुत ठीक है। अगर हम 10 करते हैं तो क्या आएगा, मैं थोड़ा सा वेरीफाई करना चाह रहा हूँ यार, इनकी फीसेस बहुत सही हैं। $2 पे 39 सेंट काट रहा है, $10 पे 45 सेंट काट रहा है, और इफ़ वी आर गोइंग फॉर $100 तो $1.05। गुड, फीसेज इनकी बहुत अच्छी हैं, आपके सामने मैंने दिखा दी है, ठीक है। तो अभी ये क्या है, $2 हम काटेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें $1.61 मिलेगा। मैं वीडियो बनाने के लिए इधर से इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं इधर से नहीं करता होता, हमारा तरीकेकार और है, ठीक है। तो उधर मैंने आपको रेट दिखाया, यहाँ भी 284 आ रहा है, ठीक है। गारंटेड एक्सचेंज रेट, कंटिन्यू का ऑप्शन दबाएँगे, इंपॉर्टेंट टू नो प्लीज़ मेक श्योर। वो कहते हैं यार बिजनेस जो है ना, पाकिस्तान में किसी बिज़नेस को हम पैसे नहीं भेजते, और ना ही भेजने वाला बिज़नेस हो और ना ही रेसिपेंट जो वो बिज़नेस हो। सो हम तो भाई बिज़नेस नहीं है, ठीक है ना, हम तो अपने घर के लिए भेज रहे हैं ना एक किस्म का। तो हम कंटिन्यू पे जो क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कहते हैं रिव्यू करो जी अपना ट्रांसफ़र, बैंक अकाउंट नंबर, कितने आप भेज रहे हो, आपकी फ़ीस कितनी लग रही है, आपको मिलेंगे कितने, एक्सचेंज रेट क्या आएगा। अजीमुल्ला गेट्स HBL बैंक गेट्स ₹458.65, ठीक है। कन्फर्म सेंड, सेंड करने के बाद सेलेक्ट एन ऑप्शन, रीज़न फॉर योर ट्रांसफ़र, सेंडिंग मनी होम टू फैमिली, कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद कंफर्म के लिए मैंने फिंगर लगा दिया, नहीं तो पासवर्ड देना पड़ेगा अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट नहीं है तो, या अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आपको पासवर्ड जो वहाँ पे लगाना पड़ेगा दोबारा से कंफर्म करने के लिए, आपकी पेमेंट निकालने के लिए। तो अगर मोबाइल में है और आपके बायोमेट्रिक लगी हुई है तो आप बायोमेट्रिक से कर सकते हो, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी किया है। सो हैंग इन देयर, बस मिनटों के अंदर यार, मिनटों सेकंडों के अंदर आपकी पेमेंट आ जाती होती है, ज़्यादा लंबा काम नहीं होता। तो हम अभी देख लेते हैं, इन प्रोग्रेस है, इन प्रोग्रेस आलमोस्ट देयर, ट्रैक योर ट्रांसफ़र। अब यहाँ से इसको ट्रैक कर सकते हैं कि जी पहुँचा या नहीं पहुँचा, कितनी देर हुई है, ये सेंट इतने, और सेंट हो भी गए हैं, सेंडिंग भी नहीं, वाओ ग्रेट। 3:42 पे इसने सेटअप किया ट्रांसफ़र, टुडे 3:42 पे आपका यूज योर यूएसडी बैलेंस, वी पेड आउट योर PKR, योर ट्रांसफर कंप्लीट, वी सेंड 458.65 PKR टू अजीमुल्ला, द रेट फॉर योर ट्रांसफर वाज 1 USD 284.8750, ठीक है। ये पैसे जी मेरे अकाउंट में जा चुके हैं, यानी कि इतना स्पीड अप होता है इनका ट्रांसफ़र यहाँ से पैसे निकालने का कि जस्ट इन सेकेंड्स जो है आपके पैसे जो हैं जो आपके अकाउंट में आ जाते होते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो भी मज़े की लगी होगी और समझ भी आएगा भाई हमने पेमेंट किस तरह से निकालनी है इसके अंदर से। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।